अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपकी महीनों से आने वाली खांसी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं। इस बदलते मौसम में खांसी जुकाम होना बहुत कॉमन है, बट अगर आप इस टाइम मेरी इस होम रेमेडी को यूज करते हैं तो आपको खांसी जुकाम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। खांसी और चेस्ट कंजेशन के लिए ये रेमेडी बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर स्टेइंग अपडेटेड एंड डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद ऑल योर लव्ड वंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़। ये देसी गुड़ है जो मैं यूज कर रही हूँ। आप जो भी गुड़ लें वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे हाथों से इस तरीके से हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। ये रेमेडी बिल्कुल इजीली बन जाती है, 2 से 3 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वाइट पेपर पाउडर, जिसे दखनी मिर्च या फिर सफ़ेद मिर्च भी बोलते हैं, ये उसका पाउडर है। तो ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। अब इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स दोनों चीज़ों को, बिल्कुल स्मूथली हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें से छोटे छोटी सी हम बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये गोली बन गई है। अब इसी तरीके से हम बाकी भी बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारी गोलियां बना ली हैं। ये खांसी में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। ये गोलियां आपको हर 2 घंटे पे चूसनी है अगर आपके खांसी आ रही है, या फिर इस बदलते मौसम में आप वैसे भी इसे ले सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के कफ होता है सीने में, बहुत ज़्यादा जकड़न होती है, उन्हें ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ये कफ को बिल्कुल मेल्ट कर देता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, टिल देन हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।